हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये देख सकते हैं हम लोग माँ बेटी हैं और हम लोग आप लोग का इंट्रो कर रहे हैं। हमारा मेरा नाम सुषमा, इसका नाम परी और ये हमारी बेटी है। और हम दोनों आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, हम आज क्या बनाएंगे, कुछ स्पेशल बनाएंगे। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। हाय बोलो, से हाय मम्मा। नहीं करेगी, बदमाश लड़की। बोलो हाय, हेलो। बोलो मम्मा, कम कम। इसका बाल देखिए कैसा है, एकदम अभी नहाई है इसलिए इसका बाल पूरा घुंघरेला हो गया है। जब तक चोटी नहीं बनाता तब तक अच्छा ही नहीं लगता इसका बाल। देख सकते हैं हम चिकन के लिए मसाला गरम कर रहे हैं और ये मसाले में सिर्फ मिर्च को गरम किया क्योंकि मेरे पास हरी मिर्च नहीं है इसलिए। और इसमें मेरा भुजिया बना हुआ था इसलिए हम इसमें फिर से कर दे रहे हैं। ये देख सकते हैं हम चिकन के लिए तेल डाल चुके हैं और इसमें जीरा डाला हुआ है हमने। और इसमें हम डालेंगे प्याज कटा हुआ, और ये देख सकते हैं आप इतना सारा प्याज काटे हुए, मतलब एक कटोरा सा कम होगा, मतलब ज़्यादा नहीं, मेरा आधा के जी चिकन है। तो हम उसमें 100 ग्राम इतना प्याज डालेंगे। प्याज जब तक मेरा प्याज बना रहे तब तक हम अपना मसाले का रेडी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने मसाले में लिए हैं 2 लहसुन की कलियां, 2 फोट लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक और सूखी मिर्च, ज़्यादा तीखा हुआ नहीं है इसमें, 5-6 सूखी मिर्च हमने लिया हुआ और थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच गोल की लिया हुआ। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा प्याज बना चुका है और इधर मेरा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। ये देख सकते हैं हमने एक टमाटर ले लिया और इसको हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसके बाद हम चिकन डालेंगे। देख सकते हैं हम चिकन पहले ही धो चुके थे और इसको हम अच्छी तरीके से फ्रेश से धो लिए थे, आप लोग भी धो लीजिएगा। और ऐसे तो ऑलरेडी सबको धोते ही है। और इसके बाद हम इसमें जाके ऐड इसमें डाल दिए टमाटर और ये अब पूरा भूनेंगे इनको पूरी अच्छी तरह से। मसाला भी मेरा देखिए तेज छोड़ने लगा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, देख सकते हैं हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेश चिकन। उसके बाद चला के हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पके, पूरा मीडियम फ्लेम में इसको पूरा भूनेंगे। और फिर हम पूरा प्रोसेस मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे तरीके से पूरा फ्राई करेंगे। देख सकते हैं 10 मिनट हो गया, हमें इसको ढक के रख चुके थे और इसको हम अब अच्छे तरीके से चलाएंगे। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया इसका, पूरा धीमी आँख में इसको भूनेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है चिकन का, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। देख सकते हैं हमारा चिकन भुना चुका हुआ है और ये देख सकते कितना ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे या तो फिर हम नहीं डाल भी सकते हैं क्योंकि हमें ग्रेवी उतना पसंद नहीं है, ऐसे ही भुना हुआ अच्छा लगता है चिकन। तो अभी हम बिना गरम मसाला का बनाएंगे क्योंकि लोगों को गलत में गरम मसाला नहीं पसंद है। तो हम इसमें अच्छे डालेंगे फिर धनिया पत्ता, उसके बाद हम इसको उतार देंगे। बन चुका है, देख सकते हैं हमने इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दिया हुआ है। और ये कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक अच्छे ब्लॉग के साथ। और ये रेसिपी कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग।